जैन, आज हम बात करने जा रहे हैं के अंश और भारत सरकार के बीच में जो विवाद चल रहा है वो सुलझने के मोड़ पे तो है, लेकिन भारत सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। भारत सरकार ने कहा है कि एक तो पहले ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो था वो वापस ले लिया गया। इसके बाद भारत सरकार ने कहा है कि उनसे जो भी पैसे इस बीच में जो लिए गए थे उनका जो भी रिफंड रोका गया था और उसको वो सरकार वापस कर देगी, और लगभग माना जा रहा है कि काफी बड़ी मात्रा में पैसा लगभग 10,000, अगर मैं सही हूँ अमन जी तो शायद नमन जी, 10,000 करोड़ रुपए शायद उनको माफ किए गए हैं। और उसके बाद उसने केयर ने कहा है कि वो पूरे अपना जो भी उन्होंने दावा किया था संपत्तियों पर भारत सरकार की विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, उनको वो अधिकार छोड़ देंगी, अधिकार छोड़ देगी कंपनी। तो ये मुद्दा अब लगातार लग रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मामला पर सरकार बैकफुट पर तो है ही, और वोडाफोन और दूसरी कंपनियों के साथ जो विवाद था वो भी इस तरह से सुलझ जाएगा। लेकिन सवाल ये अभी भी है लोगों के मन में कि आखिर ये विवाद था क्या, और इतने बड़े टकराव की स्तर पर वो क्यों पहुंचा। इसी पे हम आज बात कर रहे हैं, हमारे साथ टैक्स प्रोफेशनल और फाइनेंस प्रोफेशनल जुड़ रहे हैं। मैं आपको परिचय कराता हूँ, हमारे साथ हैं अमन अग्रवाल जी, दिल्ली से जुड़ रहे हैं, फाइनेंस के प्रोफेसर और डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी फाइनेंस के, दिल्ली एनसीआर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं पारस सावला जी, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से सीए हैं, साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड में बेल से भी आपने सीए की डिग्री हासिल की है, और आप चैम्बर ऑफ टेक कंसल्टेंट के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आप मुंबई से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अनिल माथुर जी, जो कि जयपुर से जुड़ रहे हैं, आप वरिष्ठ सीए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स आपकी एक्सपर्टीज है, और साथ साथ हमारे साथ नमन श्रीमाल जी हैं, जिनकी एक्सपर्टीज है इंटरनल टैक्सेशन में, जयपुर में, राजस्थान में इंटरनल टैक्सेशन में आप बड़ा नाम है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले नमन श्रीमाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, संक्षेप में हमें समझा सकते हैं कि क्या मामला था, कहां से शुरू हुआ, और इसमें वर्तमान स्टेटस क्या है, आगे क्या होने वाला है? ठीक है, नमस्कार स्वतंत्र जी। मैं ये इसको संक्षेप में एक बार समझाता हूँ आपको कि बेसिकली ये हुआ क्या। ये क्रेन्स का मामला ले लीजिए या वोडाफोन का मामला ले लीजिए, जो क्रेन्स यूके की एक इंडिया में सब्सिडरी थी, जिनको उन्होंने क्रेन्स इंडिया को बेचा, और ये जब उन्होंने जब बेचा इंडिया को बेचा, वेदांता है क्रेन्स इंडिया नहीं, क्रेन्स इंडिया को बेचा, बाद में शेयर वेदांता को भी गए, तो ये उसी तरह का जो है, बाद में शेयर वेदांता को गए, और ये जब इन्होंने शेयर इसको बेचा, तो इन्होंने इंडिया वाली जो कंपनी है उसके शेयर ना बेच के बाहर की जो कंपनी है उनके शेयर्स बेचे गए। वोडाफोन में भी ऐसा ही हुआ था, वोडाफोन में जो केमन आइलैंड की कंपनी थी उनके शेयर बेचे गए थे, और उन्होंने ये चीज बोली कि ये शेयर तो इंडिया के है ही नहीं, ये इंडिया के शेयर, इंडिया के कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो इंडिया पे इस पर टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। ये चीज हुई कि इंडिया में इस पर टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। ये है 2007 के मामले, दोनों ही वोडाफोन और क्रेन्स के मामले, जो दो बड़े मामले हैं। तो जब ऐसा इंडिया वालों को लगा कि यार पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे, एवरीथिंग हैज बीन डेवलप्ड, सारी चीज यही डेवलप हुई है, तो भारत को इसका टैक्स क्यों ना मिले। ऐसा 2007 से 2012 के बीच तक लड़ाई चली वोडाफोन के केस के अंदर, और 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वोडाफोन के जो सेल है वो इंडिया में इस तरह से टैक्सेबल नहीं है, कोई भी जो शेयर है बाहर का वो इंडिया की संपत्ति नहीं मानी जाएगी, इसके लिए इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उसी समय 2012 के अंदर सरकार बजट में परिवर्तन लेकर आ गई 1961 से, तो रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट एक चेंज कर दिया कि इस तरह के शेयर जिनकी वैल्यू इंडिया से डिराइव होती है उन तरह के शेयरों को इंडिया में ही माना जाएगा कि वो इंडिया के अंदर ही हैं, और इस तरह से उन्होंने बोला कि 1961 से ऐसा ही माना जाएगा, इसके लिए क्रेन्स वाला जो सेल है वो भी इंडिया में टैक्सेबल है, वोडाफोन वाली भी शेयर, जो हच का जो सेल हुआ था जो कि वोडाफोन ने खरीदा था वो भी इंडिया में ही टैक्सेबल है, और ऐसे 15-17 और बड़े मामले थे वो भी इंडिया में ही टैक्सेबल है। आपका मतलब है कि जो कंपनी के शेयर थे, विदेश में कंपनी के शेयर थे, वो बेचे गए थे, वो बेचना आपको कहना है कि वो भारत की संपत्ति नहीं थी, इसलिए उस पर कोई कैपिटल गेन या कोई टैक्स नहीं लगेगा? यस, एकदम सही। वो भले ही वो उसमें से मेजर शेयर भारत का हो, लेकिन 2012 तक ऐसा कोई कानून नहीं था। यहाँ पे ये बात हो रही कि अगर कानून पहले से होता तो बात अलग होती, पर अगर कानून ही नहीं था 2012 तक तो आप कैसे टैक्स कर सकते हो 2007 की चीज को। तो 2012 के बाद ये बदलाव लेकर आ गए हैं, उसमें भी थोड़ा डिफिकल्टी है, पर आज वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। ये चीज है कि जब कानून ही नहीं था और वो जो देश के बाहर हैं,
जो वोडाफोन जो हज के टाइम में था, हज की होल्डिंग कंपनी थी मॉरिशियस में, मॉरिशियस की होल्डिंग कंपनी थी केमेन आइलैंड के अंदर, वो केमेन आइलैंड वाली कंपनी के शेयर्स बेचे गए थे। उस केमेन आइलैंड वाली शेयर्स को हम इंडियन संपत्ति नहीं मान सकते 2012 के पहले तक। लेकिन अनिल जी, जिस तरह की नमन जी बता रहे हैं, ये तो कंपनियां जानबूझ के इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं कि जो है ना उसको कहीं ना टैक्स देना पड़े, क्योंकि कैमन आइलैंड में कोई टैक्स ले नहीं रहा होगा। इसके अलावा जो बाकी देश हैं, बाकी देशों में चूंकि उनकी संपत्ति नहीं, इसलिए वो नहीं ले सकते, तो ना तो वो कैमन आइलैंड में टैक्स चुकाएंगे ना भारत में टैक्स चुकाएंगे, तो वो तो आपको हर तरह से विन-विन सिचुएशन में आ गए। ऐसे कैसे चलेगा? मतलब ऐसे तो आपको कहीं टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी किसी देश में। नहीं, इन्हीं इन्हीं सब चीजों को तो देखते हुए अभी भी अगर आपको ध्यान हो, कुछ समय पहले ये G7 कंट्रीज में भी एक यूनिफॉर्म विदहोल्डिंग टैक्स की बात चली थी। वो इसीलिए थे कि अब ये हो रहा है कि भाई जिस कंट्री में से आप कुछ अर्न कर रहे हो, वहां की उस कंट्री को कुछ ना कुछ रेवेन्यू का शेयर जरूर मिलना चाहिए, चाहे प्रोपोर्शनेट हो चाहे किसी वजह से। इस पर्टिकुलर केस में जैसे अपन केन्स एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसमें मैटर ये था कि 2006 के अंदर इनके एक इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी। उस इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग से कि जो इनकी यूके की होल्डिंग कंपनी थी और उसने केन्स इंडिया के अंदर जो शेयर्स थे उसका हस्तांतरण हुआ। सरकार का ये कहना था कि साहब चूंकि अंडरलाइंग असेट हिंदुस्तान के अंदर थी, हमारे देश के अंदर थी, तो उसका ट्रांसफर भी कैपिटल गेन टैक्स लिया जाता है, जो कि 2012 के अंदर रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स के हिसाब से आया था। पारस जी, लेकिन सबसे जो लोगों में जिज्ञासा इस बात की है कि जो सरकार ने जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाई थी, वो क्यों लाई थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या हम ये नहीं कर सकते थे कि आपने आज के बाद आप जो भी कमाएंगे उस पर टैक्स लगेगा? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की जरूरत क्या पड़ी? क्या वो जो जो जो, जो कानून लाया गया वो ही एक गैर जिम्मेदाराना कदम था भारत की ओर से, या फिर समझदारी पूर्ण कदम नहीं था, या फिर उसमें कुछ भारत की कोई कुछ ना कुछ कोई रणनीतिक सोच थी जो कि सही अमल में नहीं आ पाई? कहाँ गड़बड़ हुई? कानून गलत बन गया या हमने गलत इंप्लीमेंट कर दिया? अपन देखते हैं, हर कंट्री का राइट है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट लाने का। इंडिया कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने पहली बार लाई है ऐसा टैक्स रिट्रोस्पेक्टिव। अब यूएस में देखेंगे तो ये कार्टन का केस था यूएस में, जब रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ था। अगर आप कनाडा में देखते हैं तो ऑन्टेरियो पीएम प्रॉक्टर एंड गैम्बल का केस था जिसके ऊपर रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट आई थी। आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो शेवलन के ऊपर केस था जिसका रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया था। तो हर एक कंट्री का राइट है, एक जो अभी भी रिट्रोस्पेक्टिव अगर कोई ऐसा लगता है जो उनके सोच है, गवर्नमेंट की जो सोच है जिसके ऊपर भी टैक्स मिलना चाहिए, अगर वो कोर्ट उसको कोर्ट, क्योंकि जब ऑर्डर देती है, जब लॉ पास करेगी जो सुप्रीम कोर्ट जैसे, तो दे ऑलवेज स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ में क्या लिखा हुआ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंटेंशन एक रहता है पर लॉ में लिखा हुआ दूसरा चीज आ जाती है, उसको इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से कर सकते हैं कोई। जैसे कि ग्लास भरा हुआ, आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा ग्लास खाली है, वो फैक्ट में किधर ना किधर इंटरप्रिटेशन गैप रह जाता है। यह समझते हुए इंडिया ने जो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया, वो लॉ में तो खामी नहीं थी, बट इंडिया एक कंट्री ऐसी है जिसको कैपिटल की जरूरत है, जिसको पूंजी की जरूरत है, विदेशी पूंजी की जरूरत है। उसके बिना इंडिया आगे बढ़ना डिफिकल्ट है, क्योंकि अपने पास खुद का कैपिटल लिमिटेड है। इस तरह रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाते रहे, या तो आप पॉलिसी रोज चेंज करते रहे, तो जो विदेशी निवेशक जो है उनको हमेशा डिफिकल्टी होती है कि यहाँ लॉ तो कल चेंज हो जाएगा तो हम लोग क्या काम कहाँ जाएंगे। जब सरकार बदली 2013 में, तभी सरकार का इलेक्शन के बाद एक ही नारा था कि टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म उसके लिए बोलते थे कि जो पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रेगुलर चेंज हो रही थी, उनका हमेशा कहना था टैक्स टेररिज्म हमको नहीं चाहिए, हमको स्टेबिलिटी चाहिए। टैक्स प्रोविजंस में जो हम लाएंगे वो 2, 4, 5 साल के लिए नहीं रहेंगे, बट लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगा, जिसकी ऑन दैट बेसिस कोई भी बिजनेसमैन उसके हिसाब से निवेश कर पाएगा, उसका प्लानिंग कर पाएगा और कर सकेंगे। तो इसके हिसाब से बोला जाएगा तो खामी नहीं थी, बट ऐसा लग रहा है कि जिस साल में डिसीजन आया ज्यादा सोचे बिना ही रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया रहेगा शायद, पर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं हर एक पहलू को शायद नहीं दिया रहेगा और ये चीज पे अमेंडमेंट हुआ रहेगा। नमन जी और अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग काफी अनुभवी हैं इन मामलों में। जैसा कि पारस जी बोल रहे हैं अनिल जी, कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है भारत में कि रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट लाया गया हो, पहले भी ऐसे लाते रहे हैं और वो है भी, अभी अमल में भी है, तो इस कानून के साथ ऐसी क्या दिक्कत हो गई, इसमें ऐसी कहाँ गलती हो गई? देखिए, हर हर चाहे कोई छोटा करदाता हो चाहे बड़ा करदाता हो,
हर चाहता है कि मेरे टैक्सेशन के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए, और जहां सवाल आता है कि जब बड़ा इन्वेस्टर है वो कोई वो ये चाहेगा कि साहब मैं जब भी इन्वेस्ट करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी किस इनकम के ऊपर आज की तारीख में क्या मेरा रूल्स ऑफ लॉ है, उसके हिसाब से मेरा टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हमेशा होते आ रहे हैं, लेकिन पहले जो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होते थे वो ज्यादातर रेवेन्यू के फेवर में करते हुए होते थे, और वो होते थे कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उस वक्त की जो एक्ट की धारा थी उसके खिलाफ कोई अगर जजमेंट दिया हुआ था तो पहले जितने भी वो होते थे कोर्ट्स के फैसलों को अंडू करने के लिए हुआ करते थे। इस 2012 में जो उन्होंने किया उसे कहते हैं ना कि साहब कि यू आर किलिंग गोल्डन लेइंग गूस, की अगर हमको लग रहा है कि साहब 2006 में या 2004 में इन्होंने इतना ज्यादा किया, उस वक्त था कि साहब मॉरिशस बेस्ड कंपनी है वो सारा का सारा पैसा बाहर ले जा रही है, टैक्स हेवन बन रहा है, तो सीबीडीटी का निगाह मॉरिशस के ऊपर थी, लेकिन उनको ये लगा कि साहब वोडाफोन ने भी वही रिस्ट्रक्चरिंग करी है, 2006 में केन्स ने भी वो रिस्ट्रक्चरिंग करी है, और उसके हिसाब से इन्होंने जितनी भी अपनी इंडिया की जो असेट्स थी वो इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट करके वो पैसा तो ले गए बाहर, और उसका टैक्स जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये थोड़ा सा एक लंबा हो गया, तो उसकी इम्प्लीकेशन ज्यादा हो गई थी। तो वोडाफोन में तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कह दिया था, और इवन वोडाफोन भी आर्बिट्रेशन में गए थे बिकॉज बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत कोई भी जा सकता था, तो वो भी गए थे, तो वहां तो अपनी पर इंडिया के ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं आई थी, लेकिन इस केस में आ गई है। तो इस केस में की वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा हाइट में लाइमलाइट के अंदर एक केस आ गया, क्योंकि सरकार के ऊपर ये हुआ कि साहब आपने उनको फाइनेंशियल हर्जाना देना पड़ रहा है, तो ये नई वजह से ये थोड़ी सी ये वाला जो अपना इस पूरे एपिसोड में भारत की छवि को धक्का लगाया गया, भारत को कुछ नीचा देखना पड़ा है। अच्छा, मेरे विचार में देखिए जी, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उस समय जरूर झटका लगा था मार्केट भारत की छवि को, स्पेशली क्योंकि जैसे पहले भी कहा गया, एक रास्ता होता है, कोई भी जो निवेशक आता है चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उसको बिल्कुल क्लियर सिस्टम चाहिए होता है कि आगे मेरे को जाके क्या होगा, मेरे पास क्या टैक्सेस लगेंगे, कितना मुनाफा होगा, और कल को अगर सब मुनाफा होने के बाद मेरे को लॉसेस होने लग जाए जहां मेरे को देना पड़े टैक्स इतना बड़ा, तो फिर बहुत मुसीबत आती है किसी भी निवेशक के लिए और उसको धंधा बंद करना पड़ सकता है। तो इसको देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी बहुत खिंचाई हुई थी, इनफैक्ट रेटिंग एजेंसीज ने भी बहुत इसको को देखा था, ऑल्दो रेटिंग एजेंसीज ने रेटिंग हमारी कम नहीं की थी, बट इसको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था कि क्या हो रहा है और किस वजह से देखें, और हमने देखा कि उस समय निवेश भी कम होना शुरू हो गया था, और उल्टा काफी सारी कंपनियां जो हिंदुस्तान में निवेश करके बैठी हुई थी वो भी सोचने लग गई थी कल को हमारे ऊपर ऐसी कोई मुसीबत ना आ जाए तो हम भी अपना रास्ता नापने लगे, यहां से निवेश बाहर निकाल के ऐसा ऐसा करके खत्म करें। तो इसी वजह से काफी हद तक फॉल होने लग गया था, 2012 से लेके 14 के बीच में काफी फॉल हुआ इसी वजह से, और तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में झटका जरूर लगा था, पर क्योंकि हिंदुस्तान काफी ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है, आज नहीं पिछले 15-20 साल से काफी ज्यादा तेज ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है, और दूसरा यहाँ पे चाइना के विश्व के माध्यम से यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क फिर भी है, चाइना में लीगल फ्रेमवर्क और लीगल सेटअप बहुत वीक है, बहुत अनक्लियर है, यहाँ पे फिर भी है, तो इसलिए निवेशक अभी भी हिंदुस्तान में काफी सालों से यहाँ बैठे हुए थे और जो बैठे रहे हैं, बट झटका जो है वो जरूर लगा था, पर अब जो ये हटाया है उससे जो वो झटका लगा था उसकी मेरे विचार में काफी हद तक भरपाई देखने को मिली है। जी, तो फिलहाल चलते हैं, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे तो इस पक्ष पर कि अब आगे क्या होगा, क्या भारत के साथ अब जो सारे विवाद थे को सुलझ गए हैं, और भारत के पास कितनी लायबिलिटी है, और भारत के पास लायबिलिटी है तो उसके बाद भारत को जो इन कंपनियों से क्या टैक्स का अधिकार खत्म हो जाएगा, कि भारत इनसे टैक्स ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, और आगे कौन से कानून हैं जिनमें अभी और भी इस तरह की आशंकाएं हो सकती हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले वहां भड़क सकते हैं, जहां पे सुधार की जरूरत हमें पड़े, कहीं मैं जाइए लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, हम बात कर रहे थे कि भारत के ऊपर क्या लायबिलिटी आने वाली है इस पूरे मामले के बाद, और कितनी उन्हें छूट देनी पड़ेगी कंपनियों को,
काफी कुछ डाटा अखबारों में आया है, लेकिन मैं चाहूंगा पारस जी अगर हमें समझा सके हमें दर्शकों को मोटा मोटी कितना भारत के ऊपर लायबिलिटी आ रही है, जितनी लायबिलिटी अखबारों में है उसके अलावा भी कुछ है क्या, मैं थोड़ा सा समझा सके तो। लायबिलिटी जैसे हम पहले बात की, क्योंकि वोडाफोन के केस में गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिला नहीं था, कुछ बहुत मामूली रेवेन्यू आया है गवर्नमेंट के पास, तो वोडाफोन ने कभी कोई टैक्स नहीं दिया। क्रेन के मामले में क्रेन ने टैक्स भरा नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके जो शेयर्स हस्तांतर हो रहे थे उसको पकड़ उनको अटैच कर दिए थे, उसको बेच के कुछ प्रॉपर्टीज को पैसा लिया है, डिविडेंड लिया है, इसके हिसाब से गवर्नमेंट के पास अराउंड 7,000-8,000 करोड़ के बीच में कुछ अमाउंट आई हुई है। दूसरे जो और भी 16-17 केसेस है, बट उन सब केसेस में कुछ ज्यादा रेवेन्यू है ही नहीं, तो ये जो कानून लाने के बाद गवर्नमेंट का नुकसान कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, कुछ 7,000-8,000 करोड़ रुपए का ही जो गवर्नमेंट को देना है। ये पैसा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहले आया हुआ था, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, और सेटल करने के बाद गवर्नमेंट की इमेज जो बदली है लोगों के माइंड में कि ये गवर्नमेंट ने जो बोला था कि टैक्स टेररिज्म है हम उसके ऊपर काम करेंगे, तो वो इमेज के ऊपर भी एक अच्छा खासा एक छवि अच्छी उभर के आ रही है मार्केट में कि ये मोदी गवर्नमेंट ने ये चीज करके दिखाया कि जो टैक्स वसूल करने को नहीं सिर्फ बैठे हैं बट लोगों को दे भी रहे हैं। और अभी रिसेंट आंकड़े देखे रहेंगे जो जून मंथ के या जुलाई मंथ के जो टैक्स कलेक्शन जो हो रहा है गवर्नमेंट का, जो उसमें बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है, एस्टिमेशन से भी ज्यादा टैक्स आ रहा है, तो इसके इस कारण जो टैक्स देना पड़ेगा 7,000 करोड़-8,000 करोड़ का, वो शायद गवर्नमेंट के एक सिर्फ अपन ये पॉकेट में से नहीं जाएगा, कि जो टैक्स बायोसिटी आने वाली करंट ईयर में जो इकोनॉमी जो ग्रो हो रही है, विदेशी निवेशक आए हैं, जो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाई है PLI की वगैरह, उसके हिसाब से भी जो बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, जो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है लोगों का, तो हर टैक्स बैलेंस जो आएगी उसमें से ही पैसा निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ खास नुकसान नहीं दिख रहा है मेरे समझ में। जी, तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है, और इसके अलावा फायदा क्या है अमन जी, फायदा क्या होगा इससे, क्या भारत की छवि, अभी तो हम बात कर रहे थे कि क्या छवि को धक्का लगा है, तो इससे तो लग रहा है कि भारत की छवि सुधरेगी इससे धक्का लगने के बजाय, कि भारत सही दिशा में कदम उठा रहा है अमन जी, छवि तो सुधरेगी सर, ये तो ये 100% है कि इससे एक स्टेबिलिटी। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि जब अगर हम पहले की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कंपनी ने प्लानिंग करी है कि आपकी टैक्स बचाने की है, ये रास्ते दिए गए हैं कंपनियों को भारत सरकार ने ही कि आप हमारे देश में आइए। जैसे पारस जी ने पहले बोला था इंडिया में पूंजी की जरूरत थी, तो ये हर कंट्री के साथ होता है, हर कंट्री के कोई ना कोई टैक्स हेवन होते हैं जहां जिनके रूट के थ्रू आते हैं और यहाँ पे बसते हैं, वो चाहते हैं कि आप यहाँ पे आइए, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हमारे देश का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाइए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाइए, वो उसके लिए इनवाइट करते हैं। और ये रास्ते गवर्नमेंट को भी पता है, इनफैक्ट 2004 में जो एक बहुत फेमस केस है आजादी बचाओ आंदोलन, वो गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था कि जो मॉरिशस से आए हैं आप उन पर टैक्स मत लगाइए, तो ये PIL में गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था कि आप उन पर टैक्स मत लगाइए, जो मॉरिशस से आए हैं हम मान लेंगे कि वो सही एंटिटी है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग ये कोई प्लानिंग करके या कोई बहुत ज्यादा ये चीजें मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ पे निवेश आए। अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो निवेश से ज्यादा अब ग्रोथ की इकोनॉमी है, तो हर कोई आना चाहता है, इसके लिए हमारी पॉलिसी भी स्ट्रांग हो गई है। 2012 से हमने जो चेंजेस लाए हैं उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि देखो अब हमारे टर्म्स पे आपको हमारे देश के अंदर आना पड़ेगा। इसके लिए मॉरिशियस सिंगापुर का भी जो हमारा इंडिया के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है वो 2017 से चेंज हो गया है। पहले जो मॉरिशियस से जो एंटिटीज आती थी उनका पूरा टैक्स मॉरिशियस में होता था और मॉरिशियस में कोई टैक्स नहीं था, अब 2017 के बाद से उसका जो टैक्सेशन है वो इंडिया में हो गया है। तो ये क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आया है इकोनॉमी में कि हमारे जो ग्रोथ है, हमारे जो लोग हैं उनकी वजह से लोगों को तो हमारे देश में आना ही पड़ेगा और हम इसके लिए अब ये चीजें खोल सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, और जो इस स्टेप के बाद तो और इंडिया की छवि आगे आ गई है कि एक स्टेबल इकोनॉमी रहेगी, एक ये रोज रोज चीजों को चेंज नहीं करेंगे और लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मौजूदा हालत में क्या हम कैन से या वोडाफोन से टैक्स ले सकते हैं, किस तरह का टैक्स ले सकते हैं, क्या उसी तरह का टैक्स ले सकते हैं जिस पर हमने कानून बनाए थे, मौजूदा हालत क्या है थोड़ा हमारे दर्शकों को? मौजूदा हालत में क्या है सर, देखिए क्या होता है, जो भी इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम होता है उसके दो भाग होते हैं, एक है इंडियन टैक्स और एक है इंडिया और उस कंट्री के बीच का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट।
जो इंडिया के टैक्स के ट्रीटी में तो इन्होंने चेंज कर दिया कि साहब 2012 से आपका टैक्सेशन ऐसा हो जाएगा, पर कुछ कुछ कंट्री के टैक्स ट्रीटी के साथ भी आज भी पुराना वैसा ही हमारा संबंध है कि ये वाला चीज इंडिया में टैक्स नहीं होगी। कि जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर इसको बोलते हैं कि जो बाहर बाहर के शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू इंडिया से डिराइव होती है, वो बहुत सारी ट्रीटी में आज के रोज में ऐसा ही है कि दैट वो चीजें इंडिया में टैक्स नहीं होगी। अगर वो चीजें इंडिया में टैक्स नहीं हुई तो आज भी उन देशों के जो वहां से अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो वो इंडिया में टैक्स नहीं होगा। लेकिन कुछ ट्रीटी ऐसी हैं जैसे इंडिया यूएस ट्रीटी है, उसमें वो बोलता है कि इंडिया के हिसाब से आप शेयर कर लीजिए, टैक्स कर लीजिए उसको, तो वो वाले जो टैक्स हैं वो इंडिया के अंदर होंगे। तो ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा सर। हमारे इंडियन टैक्स लॉ में तो छूट आ गई है, लेकिन उस कंट्री के साथ में हमारा जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है वो क्या बोलता है वो देखना पड़ेगा। ये केस टू केस डिफर करेगा, कंपनी टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री। नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि केन्स वाले मामले में क्या होगा। केन्स का आप बता रहे हैं कि कैमल जो कैमल आइलैंड है वहां से पूरा आया है, तो मतलब केन्स पे कोई टैक्स नहीं लगेगा आगे जाके? नहीं सर, केन्स वाला मामला तो देखिए जो पहले था वो तो खत्म हो गया, अब ये तो सेटलमेंट होगा। ठीक है, क्रेन्स विल अग्री टू वन सेटलमेंट, और जो भी भारत सरकार के बीच में अभी जो रिसेंट न्यूज आई थी कि क्रेन्स अग्री करने वाला है सेटलमेंट के ऊपर, और वो $1 बिलियन लेके आसपास या $1.2 बिलियन के आसपास ये सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये चीज तो वहीं पे खत्म हो गई जो पुरानी चीज है। आगे के जो ट्रांजेक्शन होंगे वो 2012 के एक्ट के बाद के समझे जाएंगे, ऐसा है। तो वहां टैक्सेशन लग सकता है अगर आगे ऐसे कोई ट्रांजेक्शन हुए तो। नहीं, आगे ट्रांजेक्शन हुए तो, या जो उसके बाद से वो काम कर रहे हैं उस पर नहीं लगेगा? मतलब 2000 एक चीज अलग है, दोनों चीजें। काम करने वाला जो टैक्स होता है वो तो कंपनी की इनकम पे होता है, ठीक है, जो मैं बिजनेस में प्रॉफिट कमाता हूँ। ये है इन्वेस्टमेंट का, कि जो मैंने मान लीजिए शेयर में इन्वेस्ट करा, उस शेयर को जो मैं बेच रहा हूँ उसका टैक्स होता है कैपिटल गेन्स के अंदर, और जो मैं कमाई कर रहा हूँ वो तो वैसे भी जो इनकी इंडिया की कंपनी कमा रही है उस पर तो भारत सरकार टैक्स ले रही है। अगर वो टैक्सेबल प्रॉफिट आती है तो उसकी, उस पर तो भारत सरकार टैक्स ले रही है। काम करने वाले प्रॉफिट अलग तरीके से टैक्स होता है, और ये है इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट। जैसा कि एंजल सर ने भी स्टार्टिंग के अंदर बोला था, ये इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है, ये इन्वेस्टमेंट की तरह से टैक्सेबल होता है। जी अनिल जी, संक्षेप में हमारे दर्शकों को समझा सकें कि अब क्या भारत में मतलब अब निपट गया है मामला पूरी तरह से, और अब कोई इसमें विवाद नहीं है, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं लिंगर ऑन होगा लंबे समय तक? नहीं देखिए, भारत सरकार की मंशा भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब अभी इन्होंने अगस्त के अंदर जो इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है जिसको प्रेसिडेंट ने भी अपनी सहमति दे दी है, अब उसके थोड़े से फाइनलिटी रूल्स की बचती हैं कि भी हमको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। केन्स के मुद्दे को अगर अपन वापस आए तो उन्होंने जो हमारे ऊपर डिमांड करी, भारत सरकार ऑलरेडी उसके अपील में गई हुई है। केन्स ने भी एक बिजनेसमैन के तरीके से ये सोचने की कोशिश करी थी कि मैं किस तरीके से भारत सरकार से वसूली कर सकता हूं, तो यूके, यूएस, क्यूबेक, सिंगापुर सब में उन्होंने कोशिश करी थी। फ्रांस में भी ये हुआ था कि साहब हम क्या असेट्स को भारत सरकार के ले सकते हैं, लेकिन वो भारत सरकार के असेट्स हैं, सॉवरेन स्टेट्स में सॉवरेन कंट्री के असेट्स मानी जाएंगी, वो जा सकती है नहीं जा सकती है। उन सब चीजों को देखते हुए इंडिया ऑलरेडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी अपील के अंदर है, लेकिन चूंकि अब उन्होंने इसको रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स विड्रॉ करा है, तो 28 मई 2012 के बाद का जो प्रावधान रहेंगे वो रहेंगे, उससे पीछे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो उस पोजीशन को देखते हुए केन्स से हमने जो वसूल किया हुआ है, जैसा कि पहले बताया गया कि जो हमने उनकी असेट्स के शेयर्स को पाउंड कर लिए थे वो बेच दिए थे, या जो केन्स इंडिया को जो डिविडेंड देना था, जो वहां पे उनकी यूके होल्डिंग कंपनी को जाना था, वो हमने फ्रीज कर दिया था, वो 7,900 करोड़ रुपए के करीब बन रहा है। सरकार का ये सोचना है कि हम इसको वापस दे देंगे, और ना हमारे पे केन्स को लायबिलिटी करे, और सरकार का ये भी है कि हमारी जो अभी नया जो बिल इंट्रोड्यूस किया है उसमें ये भी है कि फ्यूचर में भी अगर कोई इस तरीके से केसेस होंगे तो गवर्नमेंट के असेट्स को कोई अटैच करने की कोई चेष्टा ना करे। तो इन सब को चीजों को देखते हुए वो जो डिफिकल्टीज थी, जो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स थी, या जिसके इस कानून की वजह से रिट्रोस्पेक्टिव जो तकलीफ आ रही थी, उन सबको निवारण करने की जो सरकार ने चेष्टा करी, तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि आगे जाके ठीक होगा। और सरकार को इसमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, जैसा कि पहले भी कहा कि भाई फाइनेंशियल लॉस से ज्यादा सर इमेज गेन है, तो दैट वुड मोर देन कंपनसेट द थिंग्स। तो मतलब जी पारा जी, तो अब कोई खतरा नहीं है भारत के ऊपर कि भारत की कोई संपत्ति कहीं पर जब्त होने जा रही है? क्योंकि काफी बड़ी बड़े धक्का सा लगा था लोगों को, हमारे लोगों को, कि भारत की संपत्ति एक कंपनी जब्त करने जा रही है, तो ऐसे कोई खतरा अब नहीं है? जैसे अपन अगर आपका कोई टैक्स देना बाकी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी प्रॉपर्टी को
अटैच कर सकती है, वैसे ही सिचुएशन उल्टा हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिफंड नहीं किया क्योंकि उनका उनको ऑर्डर उनके फेवर में था, क्रेन्स के फेवर में था, तो अभी जो जो गवर्नमेंट कंडीशन रखी है कि हम आपको पैसा तभी देंगे तो आप सब केस विड्रॉ करोगे, सिर्फ विड्रॉ करोगे उतना ही नहीं आगे जाके भी आप कोई क्लेम नहीं करोगे, तो जो कंडीशन डाली है इसके लिए ही, तो आगे जाके कोई केस नहीं करोगे, कंपनी ही नहीं पर कंपनी का कोई स्टेक होल्डर भी नहीं करेगा, इतना तक कंडीशन डाली है, तो जिसके कारण ये सुनिश्चित कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि मुझे आगे जाके कोई खतरा ना हो इस चीज के ऊपर। जी तो मान लिया गया अमन जी की मामला सुलझ गया है और संजय हमारे पास समय भी अब खत्म हो रहा है, संक्षेप में आप क्या कहेंगे, बिल्कुल आपका जिसको कहते हैं निष्कर्ष वाला वक्तव्य। मेरे विचार में अभी मामला सुलटा नहीं है, आपने सिर्फ अभी अपील करी है और सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार कह रही है मैं उतना ही पैसा दूंगी जितना मैंने कलेक्ट किया था, जो पिछले 8 साल का इंटरेस्ट है। जब हाँ। वो इंसान के ऊपर टैक्स लगाती है या चाहे इनकम टैक्स हो या कोई सरकारी कंपनी हो तो 15% 18% 25% टैक्स लगाती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी लगाते हैं उसके ऊपर, जब अपनी देने की बारी आ रही है तो कह रही है मैं एक पैसा नहीं दूंगी, तो कंपनी भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ये कहे कि हाँ जी मेरे को बिना एक पैसा दिए आप मेरे को छोड़ दीजिए और मेरे को उतना ही पैसा दे दीजिए जो मेरा उस समय बनता था, क्योंकि उसकी कंपनी की भी छवि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में खराब हुई है। इसको समझिए जरा कि जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कोई ऐसी कंपनी होती है और उसके साथ कोई सरकार, कोई भी सरकार हो अच्छी हो या खराब हो, वो ऐसा कोई काम करती है तो इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी छवि खराब होती है उस कंपनी की। हो सकता है कुछ गड़बड़ की हो इस कंपनी ने या कुछ घपला किया हो, इसीलिए इसके ऊपर ऐसा दंड लगाया जा रहा है उस सरकार के बाद। और हिंदुस्तान की सरकार कोई ऐसी वैरी सरकार नहीं है, एक मानी हुई सरकार है कि यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क बड़े स्ट्रांग है, बड़े एजुकेटेड लोग हैं, बड़े अच्छे मंत्री हैं, सारे पढ़े लिखे मंत्री हैं। तो इसलिए ये कहना कि जो है वो बिल्कुल मान लेगी, अभी चीजें सुलटी नहीं है, और ये कहें कि टैक्स का नहीं आएगा, हो सकता है यही जो 7-8 हजार करोड़ या 12 हजार करोड़ के करीब जो टैक्स कलेक्ट किया था उसकी लायबिलिटी जाके 25-30 हजार करोड़ के करीब हो सकती है, अगर इंटरेस्ट भी सरकार को देना पड़ा जो अभी सरकार ने कहा है कि मैं नहीं दूंगी, कल को अगर देना पड़ा किसी वजह से तो ये लायबिलिटी बढ़ सकती है, वो अभी घटा नहीं है, ये मामला सुलटा नहीं है। पर एक चीज जो सुलट गई है वो ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं है, उसके आगे होगा जैसे वो लगेगा और ये मामला बिल्कुल क्लियर है, तो इससे जो छवि बढ़नी थी हिंदुस्तान की वो बहुत अच्छी ऊपर गई है और इसलिए हमारे देश को रेवेन्यू ग्रोथ भी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी हो रही है और भी हमें ग्रोथ देखने को मिल पा रही है आज के समय में। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, केन्स के मामले में तो लग रहा है कि भारत ने हाथ जला के कुछ सीखा है और लग रहा है कि अब उस मामला सुलझ जाएगा, उम्मीद करना चाहिए कि भारत को जिस तरह से फेवर में इस मामला सुलझेगा और भारत को जो भी उम्मीद है हमारे विदेशी निवेशकों से FDI वगैरह की वो हमारे फेवर में रहें। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप देखते रहिए पत्रकार टीवी, नमस्कार। पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है, मैं हूं अभिषेक। देश में शिक्षा मंत्रालय ने